सो वेलकम टू गोवा. सो माई सेल्फ सचिन. सो मेरा नाम सचिन. सो मैं गाइड हूँ आपके टूर का. सो आज सबसे पहले हम जाएंगे पणजी. पणजी गोवा की कैपिटल सिटी है, गोवा की राजधानी है पणजी. सो पणजी से होके हम निकलेंगे ओल्ड गोवा, जहाँ पे फेमस चर्च दिखाएंगे आपको. सो वो चर्च में रखी है बॉडी सेंट फ्रांसिस जेवियर की. नाम सुना होगा? Yes. आपके यहाँ स्कूल है सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल, जेवियर कॉलेज. Yes, yes, yes. सो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उनके नाम से चलते, उनकी बॉडी रखी है सेंट फ्रांसिस जेवियर की. वो चर्च हम आपको दिखाएंगे. वो चर्च देखने के बाद हम आपको लेके जाएंगे मंगेशी मंदिर, लता मंगेशकर की नेटिव प्लेस. यस सॉरी. सो वो मंगेशी मंदिर, वहीं पे हम आपको टाइम देंगे शॉपिंग के लिए, यानी आप कपड़ा या गोवा का फेमस काजू. yes, आप yes. ले जा सकते हैं वहाँ से. सो आप मंदिर में जाते समय दुकान से, आप बहुत से दुकान है ले सकते हैं. और वो होने के बाद, मंदिर होने के बाद हम आपको लेके जाएंगे ट्रॉपिक सॉरी सहकारी स्पाइस प्लांटेशन में, जहाँ पे लंच होगा एंड स्पाइस टूर होगा. सो आपको जानकारी देंगे कि गोवा में कौन कौन से मसाले होते हैं, कौन कौन से मसाले होते हैं उसकी जानकारी देंगे, प्लस लंच होगा. और लंच के बाद ये गाड़ी जाएगी रेलवे स्टेशन. कोई भी ऐसा बंदा है जिसको एयरपोर्ट जाना है, हमें रेलवे स्टेशन जाना है. एयरपोर्ट जाने वाले कितने लोग हैं? एक दो आठ आठ लोग. सो वहाँ से बड़गा बस स्टैंड से ही रेलवे स्टेशन जाता है. लेकिन जो रेलवे एयरपोर्ट जाएंगे उनको क्या कन्वीन्स है वो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन बताएंगे आपको. सो आपको कितने बजे की फ्लाइट है? 10:30. सो टाइम है आपके पास. सो मड़गांव से भी आप जा सकते हैं. मड़गांव कितने बजे पहुंच जाएगा? 7 बजे का है. नहीं, हमारा अगर आप भारत का नक्शा, इंडिया जो है एक बड़ी कंट्री है, गोवा एक, अगर आप मैप देखेंगे तो गोवा एक डॉट जैसा दिखता है, स्मॉल डॉट. लेकिन ये डॉट जो है पूरे वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. पूरे वर्ल्ड के लोग, टूरिस्ट लोग गोवा में आते हैं. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फॉरेनर, हर साल गोवा में 15 लाख फॉरेनर आते हैं. 15 लाख इंडियन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट ऑलमोस्ट डबल. 15 लाख फॉरेनर आते हैं. जहाँ तक हमारा गोवा का पूरे गोवा का पॉपुलेशन है 15 लाख. हमारा गोवा का पॉपुलेशन है 15 लाख, लेकिन फॉरेनर लोग आते हैं 15 लाख. इंडियन टूरिस्ट ऑलमोस्ट डबल. तो गोवा एक ऐसी स्टेट है, वी आर टोटली डिपेंड ऑन अदर स्टेट फॉर डेली नीड्स. हर चीज गोवा में बाहर से आती है, गेहूँ बाहर से, चावल बाहर से. यहाँ नारियल भी दिखाई देगा आपको, ये नारियल भी केरला से आता है, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा आने के कारण डिमांड ज़्यादा है. तो जो हम यहाँ पे कल्टीवेट करते वो सफिशिएंट नहीं है. सो गोवा एक ऐसी स्टेट है, हम दूसरे स्टेट पे डिपेंड है. तो देखिए गोवा बाकी स्टेट जैसा गोवा नहीं है. अगर आप बाकी स्टेट में इंडिया में कहीं भी जाएंगे, किसी को आप मिलते हैं तो आप बोलते हैं नमस्ते. यस, बट इन गोवा वी नेवर से नमस्ते, वी से हाय. बिकॉज दिस इज पोर्चुगीज कॉलोनी. ये पोर्चुगीज की कॉलोनी है. गोवा का कल्चर डिफर्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया. तो हम पोर्चुगीज कल्चर गोवा में अडॉप्ट किया है. पीने का हैबिट, खाने का हैबिट, ये पोर्चुगीज कल्चर यानी हमने गोवा में अडॉप्ट किया है. सो अभी भी गोवा में 10% पीपल स्पीक पोर्चुगीज. यहाँ पे पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है. यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों ने राज किया 450 साल. जितने भी पूरे देश में अंग्रेज थे, बट गोवा दमन दीव ये पोर्चुगीज की कॉलोनी थी. तो जितने भी पुर्तगाल पुर्तगाल बोलते हैं पुर्तगाल. तो जितने भी जितने भी फॉरेन इन्वेडर हमारे देश में आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रेंच आए, उसमें से पुर्तगीज लोग सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में चले गए. वो गोवा में आए थे 25 नवंबर 1510, 1510 में आए. लेकिन उससे पहले आए थे वास्को द गामा, वाज द फर्स्ट फॉरेनर जिन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया. लेकिन वो पहुंचे केरला कालीकट. सो 1498 में पुर्तगाल यानी वास्को द गामा आए. सो पुर्तगीज लोगों ने 450 साल गोवा में राज किया. 19 दिसंबर 1961 गोवा हमारा लिबरेशन डे गोवा में हम मनाते हैं. यानी पोर्चुगीज लोग गोवा छोड़ के चले गए 19 दिसंबर 1961. हमारा देश आज़ाद हुआ 1947.
लेकिन पोर्चुगीज गए 14 साल के बाद 1961 में। 14 साल गोवा गुलाम रहा, लेकिन पोर्तुगीज जाने को रेडी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी भेजी, इंडियन आर्मी लिबरेट करने के लिए। लड़ाई हुआ, पोर्चुगीज के 33 सोल्जर मर गए, इंडियन आर्मी के 22 सोल्जर शहीद हो गए, तब जाके पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ा। तो 450 साल पुर्तगालियों ने गोवा में राज किया। तो ये पोर्चुगीज कॉलोनी है। सो गोवा के लोगों को एक एडवांटेज है, गोवा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एब्रॉड में काम करते, फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते, क्योंकि देखिए आई एम गोवन, माई फादर बॉर्न बिफोर 1961, मेरे पिताजी का जन्म 1961 से पहले है, आई कैन अवेल पोर्चुगीज पासपोर्ट, पोर्चुगीज पासपोर्ट मिलते हैं, और उस पासपोर्ट से पूरे यूरोप में गोवा के लोग जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द गोवा के जो लोग जो है वो विदेश में काम करते हैं। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बीचेस पे जो आप छोटे छोटे दुकान दिख रहे हैं, ये गोवा के लोगों के नहीं है। यहाँ जो आइसक्रीम बेच रहा है वो गोवा का नहीं है, ये रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे हैं वो गोवा के नहीं है, ओनर गोवा के है, लेकिन अदर पार्ट महाराष्ट्र कर्नाटका केरला, सो पर कैपिटा इनकम जो है गोवा का वो ज़्यादा है। इसलिए हमको शॉर्टेज ऑफ लेबर, गोवा में लेबर की शॉर्टेज है, बाहर देश बाहर स्टेट से गोवा में बहुत से लोग काम करते हैं, यानी गोवा में आके काम करते हैं। सो गोवा एक ऐसी स्टेट है, हम दूसरे स्टेट पे डिपेंड है फॉर डेली नीड। सो अभी आप गोवा में है, अभी आप गोवा से अपने घर वापस पहुंच जाएंगे, सो आपको आपके घर वाले पूछेंगे गोवा गए थे आप हमारे लिए क्या लाए। हर स्टेट की कुछ ना कुछ खासियत होती है, जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है, बंगाल का रसगुल्ला बहुत फेमस है, इसलिए बंगाली भाषा बहुत ही मीठी भाषा है। मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, बिहार के सर, बिहार का क्या मुझे मालूम है, बिहार का क्या लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, हाँ बिहार की वो खैनी फेमस है। सो हर स्टेट की कुछ ना, वैसे गोवा की जो है ना चार फेमस चीजें हैं। पहली फेमस चीज है वो है काजू, काजू मार्च अप्रैल में ये काजू का सीजन है, गोवा से हम काजू एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन गोवा नहीं, गोवा और आपके यहाँ काजू की रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30 रुपीज़ का डिफरेंस, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के काजू आपको मिलेंगे, क्योंकि काजू केरला में होता है, काजू ओडिशा में भी होता है, काजू महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन गोवा के काजू बड़े होते हैं साइज में और टेस्टी होते हैं, गोवा से हम काजू एक्सपोर्ट करते हैं। गोवा की सेकेंड फेमस चीज़ वो है काजू फेनी, काजू एप्पल होता है फ्रूट, उसका जूस निकाल के फेनी बनाते हैं, और ये फेनी गोवा का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। सो लिमका के साथ पीने से इसको टेस्ट आता है, इसके बहुत से फायदे हैं। काजू फेनी जॉइंट पेन के लिए यूज करते हैं, खांसी कफ, आपने तीन लिया है, परमिट लिया ना आपने, परमिट चाहिए होता है उसमें, ट्रेन में जाएंगे आप नो प्रॉब्लम, चेकिंग लगेज, सो आप या सो एक आदमी 3 बोतल ले जा सकता है काजू फेनी, एक कपल 6 बोतल, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी रेट जो है काजू फेनी की गोवा की बाउंड्री क्रॉस करते ही डबल हो जाती है। सो गोवा का लोकल प्रोडक्ट काजू फेनी, इसके फायदे ये है कि वो जॉइंट पेन, खांसी कफ, स्टमक पेन के लिए यूज़ करते हैं काजू फेनी। उसका और एक फ़ायदा है, अगर आप पूरी बॉटल पियेंगे 750 ml पूरी बॉटल अगर आप पियेंगे तो आपको गाड़ी में साइट सीइंग करने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे बैठेंगे, बैठे बैठे आप पूरा गोवा देख सकते हैं, एक ही जगह पे देख के पूरा गोवा आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 30-40% अल्कोहल होता है, काजू फेनी में अल्कोहल होता है 30-40%। सो वो काजू फेनी आप गोवा से ले जा सकते, 750 ml प्लास्टिक बॉटल में आता है, जितना उसका जितना पुराना होता है उतना वो बढ़िया होता है, नॉर्मली बेस्ट क्वालिटी स्टार्ट होता है 90 rupees, 120, जितना बढ़िया होता है, सो 150, 170, 180 मोस्ट क्वालिटी, सो आप गोवा से ले जा सकते हैं। गोवा की तीसरी फेमस चीज़ वो है पोर्ट वाइन, अंगूर, हाँ